हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हेमा ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या करल रो में एक पॉलीगोनर और ब्लेंड टूल की मदद से एक फ्लावर्स लोगो डिजाइन क्रिएट करना बताएंगे, जैसा कि आप हमारे कंप्यूटर में देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसको क्या करते हैं, पेज से बाहर कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको बता ही चुके थे पॉलीगोनर टूल लेना है जिसका शॉर्टकट किया है वाई और कंट्रोल शिफ्ट के साथ इस तरीके से बनाना है। फ्रेंड्स, इसको क्या करना है, 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे यहाँ से। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, दो जगह से आप रोटेट करवा सकते हैं इस शेप को, यहाँ से भी आप चाहे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ से करते हैं 90 डिग्री पे रोटेट। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मिरर हॉरिजॉन्टली कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद फ्रेंड्स, अभी देखिए क्या हो रहा है, इसको छोटा करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे ड्रैग करके शिफ्ट कीजिएगा तो क्या हो रहा है, इस वाले कोन से छोटा हो रहा है, तो हमको सेंटर से छोटा चाहिए। तो इसके लिए शिफ्ट के साथ इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो देखिए सेंटर से छोटा हो रहा है इस प्रकार से। इतना हो गया। इसका एक कॉपी लेंगे। कॉपी करने का भी दो तीन तरीका है फ्रेंड्स, आप चाहे तो देख सकते हैं, इसमें बताएंगे अभी हम। इसको देखिए कॉपी किस तरीके से किया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ से भी कर सकते हैं। एडिट में जाएंगे, कॉपी और पेस्ट यहाँ भी है। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी कीजिएगा तो कॉपी पेस्ट होगा। और कीबोर्ड से एक और जगह से कॉपी होता है फ्रेंड्स, न्यूमेरिक की है, उसमें प्लस पे क्लिक कीजिएगा कीबोर्ड में तो उससे भी कॉपी हो जाएगा। प्लस दबा के कॉपी कर दिया इसको। उसके बाद अब इसको क्या करना है, इधर इधर लेके आना है। तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कर्सर की ओर से इस तरीके से ले आ रहे हैं तो इसका सेंटर में देखिए नहीं है ये। तो इसके लिए क्या करना है, हमको कंट्रोल दबा के इस तरीके से इधर लाएंगे तो देखिए ये सेंटर की ओर सेंटर में आ रहा है इस तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे, इसको और छोटा कर देते हैं कुछ इतना, इसको भी कुछ इतना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जाके ड्रॉप शैडो में ब्लेंड टूल लेना है। अब फ्रेंड्स बताते हैं ब्लेंड टूल कब काम करता है, जब आपके पास दो शेप एक्चुअली में ड्रॉ हुआ रहेगा आपके पेज में, तभी ब्लेंड टूल काम करेगा। देखिए, अन्यथा एक नहीं काम करेगा, आप इसमें अटैच कीजिएगा तभी काम करेगा। आप चाहे यहाँ पे आप कम बेसी कर सकते हैं इसको, तो हम कुछ रख लेते हैं 15 इस प्रकार से। और क्या करना है फ्रेंड्स, इसको चाहे तो आप सेंटर से इधर उधर भी कर सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, ये इस तरीके से भी होगा। और क्या करेंगे, इसमें हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी बोले तो ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम कलर फिल कर देंगे कुछ इस प्रकार से। इसका आउटलाइन रिमूव करने के लिए यहाँ पे अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इस वाले नोट पे लेके चला जाएंगे और एक बार कॉपी कर लेंगे और कंट्रोल के साथ दबा के देखिए स्नैप हो रहा है। कितना डिग्री पे हो रहा है, 15 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। तो इसको इस तरीके से कर लेंगे और कंट्रोल के साथ डी दबाएंगे तो डुप्लीकेट होता चला जाएगा इस तरीके से। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर लेंगे तो ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद एक बार और इसका डुप्लीकेट लेंगे, यानी कॉपी कर लेंगे और एक बार फिर से बीच में क्लिक करेंगे तो देखिए ये रोटेट का ऑप्शन आया है। तो इसको कंट्रोल दबा के इस तरीके से, कंट्रोल नहीं दबाना है और फिर इस तरीके से कर लेना है, तो ये सेव बन गया फ्रेंड्स। तो आज का ट्यूटोरियल इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा और ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद।